हे माँ जगदम्बे, बड़े ही सौभाग्यशाली हैं हम जो आपके चरणों में हमारा गांव बसा है। माँ, इतना सुंदर गांव है हमारा, ये लहराते पेड़, उस सुंदर तालाब, इतना अच्छा था हमारा गांव, लेकिन उस जालिम की नजर लग गई। रोज दर्जनों लोग शिकायत लेकर आ जाते हैं। अब तो मुझे मौलवी जी और सरपंच जी से मिलकर कोई कड़ा फैसला करवाना पड़ेगा। आज ही तूफान भी मुझे पंडित जी और सरपंच जी से मिलने से नहीं रोक सकता। इसका फैसला मैं अकेले नहीं ले सकता, मुझे पंडित जी और मोदी साहब से भी बात करना पड़ेगी। आज कितना तूफान है माँ, मगर ये तूफान भी आज मुझे रोक नहीं सकता। माँ, आज मुझे सरपंच जी और मौलवी जी से मिलना ही होगा। आज ये तूफान भी मुझे रोक नहीं सकता। लीजिए वो भी आगे। फैसला तो हमारी गोली करेगी। सरकार, आपके लिए खबर है।
लेकिन खबर अच्छी नहीं। क्या खबर है बे? वो मास्टर अभी भी गांव वालों को आपके खिलाफ भड़का रहा है। तुमने अपने कानों से सुना? हाँ सर, मैंने अपने कानों से सुना। तो कल सुबह जाकर सबसे पहले उसी को सबक सिखाना। शेर होता ना तो दिन में आता, रात को आता है। वो मन करता है कभी एक बार मेरे हाथ में आ जाए, बताऊंगा उसको। मगर मेरे आदर्श ने पूछा, मैं भी अगर उस जैसा बन जाऊंगा तो फिर मुझ में और उसमें फर्क क्या रहे? जिंदगी भर मास्टर रहा, आदर्शों पे चला, और सासर भी तो यही कहते हैं ना। मुझे इतना डर लगता है, आपको आपको बिल्कुल डर नहीं लगता? मुझे थोड़ी सी आवाज भी आती है तो मुझे मुझे मेरी रूह कांप जाती है। आप क्यों नहीं समझते? अच्छा छोड़ दूँ, जाके पानी लेके आ। आपको समझाना भैंस के आगे बीन बजाने के बराबर है। लाती हूँ पानी। अच्छी तरह पढ़ना तुमने, समझी बात? इसको लंगर, ठीक है? ये हो गया तेरा? बैठ, चिंता मत किया। ये कैसी आवाज है? लगता लगता वो ताली मार गया। चलो अंदर। मेरी बात सुनना, तू इसको लेके अंदर चल। इसको आप भी चलिए ना। मैं कहता हूँ तू चल, चल लेके। कौन है भाई तुम? यहाँ क्या करने आए? अबे तू सुधरा नहीं बे? मैंने तुझे पहले भी समझाया था ना कि इन गांव वालों को मत समझा, तू सुधरा नहीं? वो मेरा फर्ज है। समझा? समझाऊंगा, एक बार नहीं हजार बार समझाऊंगा, मास्टर हूँ, समझा? मास्टर? अबे तेरी मास्टरी तो मैं निकालूंगा बे। जो मेरे खिलाफ जाता है उसका मैं क्या हश्र करता हूँ तुझे नहीं मालूम? मैं तुझे अच्छे से समझा कर गया था। सुन, मैं तेरे साथ वो करूंगा कि आज के बाद सात गांव के लोग भी मेरे खिलाफ जाने के डरेंगे। मैं तुझे और तेरे उस बीवी बच्ची को जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। सुना तूने? मगर कुछ नहीं कर पाएगा तू। मेरा खून जो है ना, वो करने के बाद भी तू कुछ नहीं कर पाएगा, समझे? तुझे यहाँ नहीं, यहाँ गोली मारूंगा, क्योंकि मेरी दहशत इस पूरे गांव में रही। इस दौरान उस जालिम को पता लग गया कि साधु राम के साथ साथ पंडित जी, सरपंच जी और मौलवी जी भी उसको पकड़वाने के लिए लोगों का साथ दे रहे हैं।
साधु राम ने मेरा सरपंच का और मौलवी का नाम लेकर सारा का सारा भांडा ही फोड़ दिया है। आज रात को मुझे पंची से मिलना ही मिलना है। रात को मुझे ही छुप जाता हूँ। अरे पंडित जी, सब खैरियत तो है? ये कपड़े भी गीले हो चुके हैं। पंडित जी, आपकी इतनी सांस क्यों फूली हुई है? मेरी तो सांसें ही फूली हुई हैं। अरे आप लोग सुनोगे? अरे आपकी तो सांसें ही रुक जाएंगी। अरे पंडित जी, हुआ क्या है बता तो दीजिए। अरे सरपंच जी, वो साधु राम ने हम तीनों का नाम लेकर अरे सारा का सारा भांडा फोड़ दिया है। अब हम क्या करेंगे? अरे करना क्या है, जल्दी से जल्दी इस मसले का कोई हल ढूंढो भाई, हल ढूंढो। लेकिन इसका हल क्या है? अरे इसका हल तो अब उसकी पत्नी ही निकाल सकती है। सरपंच जी, मौलवी जी, चलो उसके घर चलते हैं। चलो चलो, चलिए चलिए। रानू के साथ थोड़ी देर मैं भी खेल लेती हूँ। आगे चोर की बेटी किसके साथ कौन खेलेगा? Thank you.
रानू तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? अरे चल चल, तेरा बाप तो चोर है, तेरा बाप तो डाकू है। चुप कर, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। अरे अभी माँ से जाके पूछ। हाँ हाँ पूछ लूंगी। पानी पीने गई थी। इतनी खिली खिली रहने वाली लड़की आज इतनी उदास कैसे? चल तेरे पसंदीदा आम खाने चलते हैं। बता कौन सा आम खाइए, ये वाला ये वाला? साहब मुझे क्या बात हुई है, मुझे पता है कोई बात हुई है। क्या बात हुई? अरे अरे रो क्यों रही है? देख रो मत, मुझे पता है कोई बात हुई है। पर क्या बात हुई है बताओ मुझे, क्या बात हुई है? गुड्डू सभी कहते हैं मेरे पापा चोर है, मेरे पापा डाकू है, मेरे साथ कोई नहीं खेलता। आज रानू ने भी मुझे ना मुझे 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 मेरे साथ खेलने से इनकार कर दिया। तू बता क्या ये बात सच है? क्या मेरे पापा सच में चोर है? देख गुड़िया मैं तेरा दिल भी तोड़ना चाहती पर ये बात सच है। सच कुछ भी हो मुझे पता है मेरे पापा एक दिन जरूर सुधर जाएंगे। हाँ ईश्वर करे एक दिन वो सुधर जाएंगे। जिस तरह रानू ने मेरा साथ छोड़ दिया उस तरह तू भी मुझे तो नहीं छोड़ देगी ना? तुम्हारे साथ कोई रहे ना रहे लेकिन मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। मुझसे बात करती है, सबके साथ ये खेला वो खेला, रानू के साथ ये खेला, आम कहाँ खाए पानी कहाँ से लाए सब बताती है। आज क्यों इसने मुझसे बात की? देख तू जरा। और जब मैं शाम को आती हूँ तब भी मुझे पापा नहीं दिखते। आज रानू भी मुझे बोल रही थी कि तुम्हारे पापा चोर हैं, डाकू हैं, खूनी हैं। नहीं मेरी प्यारी बेटी ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पापा चोर हैं, मेरे पापा जैसे नहीं करते बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। सही कह रही हूँ माँ। माँ स्थिति भी कहते हैं जिद करने वाले बच्चों पर कभी ऊपर वाला मेहरबान नहीं होता। बिल्कुल मेरी प्यारी बेटी बिल्कुल। मैं आपसे नहीं रहूंगी। तू अंदर जाके आराम से सो जा, ठीक है? Thank you.
बेटी, अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। कल रात उसने साधु राम के घर डाका डाला और उसे मार डाला है। पंडित जी इतना घबरा चुके थे, हमें उन्हें आते वक्त बैद जी के पास छोड़ना पड़ा। और भागते भागते हमारे कपड़े गीले हो चुके थे, सीधा कपड़े बदल कर तुम्हारे पास आ रहे हैं। अब तुम्हें ही कुछ करना होगा। मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी कोई पेश नहीं चलती। तुम बहुत कुछ कर सकती हो बेटी। उससे कहना डायन भी साथ घर छोड़ कर वार करती है, मगर उसने तो अपने ही गाँव में लूट मचा रखी है। ठीक है, मैं उन्हें एक बार फिर समझाने की कोशिश करूँगी। है बेटी, आपको यही चाहते हैं कि वो जल्दी से सुधर जाए और कुछ अच्छे काम करे, बाकी जैसे ऊपर वाले की है। आइए सरपंच जी। तुम बड़ी गुमसुम लग रही हो। आपने बिल्कुल अच्छा काम नहीं किया उस नेक साधु राम को लूट कर। तो तुझे भी पता चल गया। पूरे गांव को पता है। तो तुम क्यों डरती हो? मैं डरती हूँ हमें कुछ हो ना जाए, हमारी बेटी को कुछ ना हो जाए। तुम ये बंदूक देख रही हो ना, जब इसके घोड़े पर मेरी उंगली होती है ना, उस वक्त ये गाँव वाले तो क्या, वो ऊपर वाला भी मुझसे डरता है, समझी तुम? मैं कहती हूँ छोड़ दो ये सब करना। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम ये बार बार जो मुझे समझाती हो ना, ये समझाना बंद कर दो। अगर आज के बाद तुमने मुझे समझाया तो मैं कभी घर पे नहीं आऊंगा। खाने को है? हाँ हाँ, मैंने चावल बनाए थे, अभी ले। जल्दी लाओ, भूख लगी है। सुनो, बेटी को भी जगाओ, वो भी मेरे साथ थोड़ा सा खा लेगी। नहीं नहीं, उसे सोने दो, मैंने बहुत मुश्किल से उसे सुलाया। क्यों? आपके लिए पूछ रही थी वो। तो फिर तुमने क्या कहा? मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसे सुला दिया। अच्छा किया। सुनो, अपना और बेटी का ख्याल रखना, ठीक है? मैं चलता हूँ। शांति आ गई, सरकार को बताना पड़ेगा। Thank you.
कल। सरकार सरकार सरकार, बहुत बड़ी खुशखबरी ले आया हूँ। क्या खुशखबरी है? तनिक ऊपर तो आइए। हाँ, क्या बात है? सरकार, शांति, कुछ खबरी। क्या शांति, क्या कुछ खबरी बे? सरकार, शांति आई है पगनेरे के लिए और गहनों के साथ लदी हुई है। उन्हें अपनी आंखों से देखा है? जी सरकार जी। सरकार, खोपड़ी उड़ा दीजिए, लेकिन शक ना कीजिए। मिलाऊं? जा बे ले आ। दीजिए सरकार। अबे तू खा बे। जैसा आप बोलो सरकार। उतार ये गहने। तुम्हें मेरे गहने चाहिए ना? ये लो। इनके बिना मैं जी के क्या करूंगी? अरे कहां तक भागेगी और हमसे भागेगी? अरे हमें उससे क्या लेना देना, भागती है तो भाग जाए। सुनो, इस लाश का कुछ कर देना, ठीक है? हे माँ वैष्णवी,
हे त्रिकुटा की रानी, हे माँ, हम कितने सौभाग्यशाली हैं, रोज सुबह उठ के तेरे त्रिकुट पर्वत के दर्शन पाते हैं। माँ, हे माँ वैष्णवी, हे माँ वैष्णो, सदा हमें ऐसे ही अपने दर्शन देते रहना। माँ, सारे संसार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना मेरी माँ। हे परमेश्वरी महारानी माँ, जो तुझे माने उसका भी भला करना माँ, जो ना माने उसका भी भला करना मेरी माँ। बारिश भी तेज होगी सरपंच जी। हाँ हाँ, इधर ही रुक जाते हैं। पंडित जी तो अभी मंदिर में पूजा कर रहे हैं। अरे उन्हें करने दीजिए अपनी इबादत, लेकिन आज हम अपनी बात करके ही जाएंगे। वो पंडित जी भी आ गए। पंडित जी कैसे हैं आप? ठीक हूँ मौलवी साहब। आइए आइए पंडित जी। अरे पंडित जी, अब आपकी तबीयत कैसी है? माँ वैष्णो की कृपा से अब ठीक ही। चलो अच्छा है। मगर ये बताओ, इस बारिश में यहाँ मेरे पास आने का कारण क्या है? अरे क्या बताओ पंडित जी, उस बिन माँ की बच्ची के साथ क्या हुआ? बिन माँ की बच्ची मतलब शांति? जी हाँ। अरे क्या हुआ सरपंच जी उसके साथ? अरे बताते क्यों नहीं आप लोग, बात क्या है आखिर? शांति पग फेरे के लिए माइक के आ रही थी, मगर मगर क्या सरपंच जी, बताते क्यों नहीं आप लोग, मगर क्या बताइए? मगर क्या बताऊं पंडित जी, मैं उस जालिम ने शांति जैसे ही रेल पटरी पर उतरी उसके गहने भी लूट लिए और उसके पति को भी मार डाला। उस बिचारी से ये सदमा सहन नहीं हुआ पंडित जी, उस बिचारी ने अपनी जान दे दी पंडित जी। क्या कहा मौलवी साहब, उस जालिम ने उन गहनों के लिए शांति के पति को मार डाला? जो गहने हम सारे गाँव वालों ने मिलकर उसको दिए थे, अरे शांति की शादी करवाने में तो सबसे ज्यादा हिस्सेदारी उस जालिम की पत्नी की थी मौलवी साहब। हर बार ऐसा नहीं चलेगा सरपंच जी, आप गांव के सरपंच हैं, आपको कोई कड़ा कदम उठाना है। देखिए सरपंच साहब, इस बार आपको कोई कड़ा फैसला करना पड़ेगा, आखिर कब तक हम ऐसे ही सहते रहेंगे? अरे पहले उसने साधु राम के साथ ऐसा किया, अरे कल बेचारी शांति को मार डाला, ना जाने कल वो आपको, मुझे या आपको मार डाले। और मुझे तो उसने देख रखा है सरपंच साहब, मैं कहता हूँ चुप्पी से काम नहीं चलेगा सरपंच साहब, अब आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्यों मौलवी साहब? जी जी पंडित जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मौलवी साहब आप भी ठीक कह रहे हो, अब पानी सर से ऊपर पहुँच चुका है, चलो उसी की पत्नी के पास चलते हैं, अब वो ही हमारा हल कर सकती है। चलिए चलिए। पंडित जी के वस्त्र गीले हो चुके थे, वो वस्त्र बदल के आते ही होंगे। पंडित जी आ गए। अरे पंडित जी आ जाइए आ जाइए। आया मौलवी साहब आया। आ गया भाई आ गया। तुम्हें नहीं पता? देखो बेटी, कल की वारदात से गांव का बच्चा बच्चा डर चुका है। क्यों? ऐसा क्या हो गया मौलवी जी? अरे तुम्हें पता है उस शांति के साथ क्या हुआ? शांति? ऐसा क्या हो गया शांति के साथ? अरे कल शांति पग फेरे के लिए गांव आ रही थी, मगर तेरे उस जालिम डाकू पति ने उसको रास्ते में ही लूट लिया और उसके पति को मार डाला। वो बिन माँ की बच्ची वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई, पर पहाड़ से कूद कर उसने अपनी जान दे दी, अपनी जान। देखो बेटी, सारा गांव मुझे ताना मार रहा है, अब मुझे कोई ना कोई कड़क फैसला लेना पड़ेगा।
देखो बेटी, यहाँ तो तुम कुछ करना नहीं चाहती, या फिर तुम उसका साथ दे रही हो। हमारी पाक किताब में भी लिखा है कि इंसान को अपनी कमाई मिल बांट कर खानी चाहिए, और उसकी हराम की कमाई खाकर तुम दोनों अपने आप को पाप का हिस्सेदार बना रही हो। तुम क्यों अपने आप को और अपनी बच्ची को उसका हिस्सेदार बनाना चाहती हो? नहीं तो याद रख बेटी, उस जालिम के हाथों सताए हुए लोगों की बददुआएं तेरे सारे सबब जलाकर राख कर देंगे। और जो लोग आज तेरा नाम बहुत प्यार और इज्जत से लेते हैं ना, कल को वही लोग तुझे और तेरी बेटी को नफरत की नजर से देखेंगे, नफरत की नजर से। अब तू ही कर कुछ बेटी। ठीक है पंडित जी, ठीक है मौलवी जी, ठीक है सरपंच जी। औरत का प्यार अमृत का वो कुंड है जो रावण की नाभि में था, और जब तक वो कुंड सूख नहीं जाता तब तक रावण जैसे मेरे पति का अंत नहीं होगा। आप जाइए पंडित जी, आप जाइए मौलवी जी, आप जाइए सरपंच जी। नहीं तो याद रख बेटी, उस जालिम के हाथों सताए हुए लोगों की बददुआएं तेरे सारे सब जलाकर राख कर देंगे। और जो लोग आज तेरा नाम बहुत प्यार और इज्जत से लेते हैं ना, कल को वही लोग तुझे और तेरी बेटी को नफरत की नजर से देखेंगे, नफरत की नजर से। अब तू ही कर कुछ बेटी। छोड़ दो ये सब। तुम जो काम मुझे छोड़ने के लिए कह रही हो ना, वे मैं हरगिज नहीं छोड़ सकता। मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ और वक्त आने पर अपनी बेटी को भी छोड़ सकता हूँ, मगर अपने साथियों को छोड़ना, अपने साथियों को छोड़ना मेरे लिए मौत के बराबर होगा। और मैं अभी मरना नहीं चाहता, ये मेरा फर्ज है, समझी तुम? लालटेन क्यों चलाकर खड़ी हो? बेटी ने हमें इशारा कर दिया। अरे पंडित जी तो अभी आए नहीं। अरे पंडित जी आते ही होंगे, पंडित जी का इंतजार किया तो ये जालिम हाथ से निकल जाएगा। समझा, तुम गांव वालों के साथ मिलकर मुझे पुलिस के हाथों पकड़वाना चाहती हो ना? चुप कर पापी, ऊपर वाले को याद कर। याद नहीं करूंगा, लेकिन हाँ मुझे राहुल से पता करना जरूर। उसने बेटी को गोली मार दी। कुत्ते, तुझे नहीं छोड़ूंगा।
ये उस जालिम ने क्या कर दिया? इस बेटी ने वो कर दिखाया जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। आज अगर ये उस जालिम को पकड़वाने में हमारी मदद नहीं करती तो वो कभी पकड़ा नहीं जाता सरपंच जी, कभी पकड़ा नहीं जाता। मगर इस फूल जैसी बच्ची का क्या होगा? सब ठीक होगा सरपंच जी, मैं आप और पंडित जी और ये पूरा गांव मिलकर इसको इसके माँ बाप का प्यार देगा। Thank you.